गुड मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो में मैं क्लास 8 को ज्योग्राफी में चैप्टर 4 एक्सप्लेन करूंगी। बच्चों, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी मैं उसमें हाफ पार्ट्स का आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी ये जो बचा हुआ चैप्टर है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, मिनरल्स रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। अब बच्चों, इंडिया के अंदर जो हम चैप्टर में आपको बताया कि मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, ये हमारा चैप्टर है। तो इंडिया में जो मिनरल्स रिसोर्सेस होते हैं बच्चों, उनकी डिटेल आपको आपकी बुक में मिलेगी। जैसे देखिए, बॉक्साइट है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और तेलंगाना में। इस तरीके से जितने मिनरल्स होते हैं उन सबके बारे में कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं वो लिखा हुआ है, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ मिनरल्स। अब बच्चों, मिनरल्स के यूजेस क्या होते हैं, तो देखिए इसके बहुत यूज होते हैं। एक तो मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रीज होती हैं मिनरल्स उसके बैकबोन होते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है ना। और वो काम क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर काम किसका होता है, मिनरल्स का। और भी होता है, हम यहाँ मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत से लोगों को रोजगार भी देता है, ठीक है। और इसने हमारी जिंदगी को बच्चों इजी बना दिया एक तरीके से। जितना जितना साइंस में प्रोग्रेस करते जा रहा है तो हमारी जो लाइफ है वो इजी बनती जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। और हमें ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है ना, यानी कि हम एक नई सभ्यता विकसित हो रही है हमारे अंदर, ठीक है, सभ्यता विकास हो रहा है इस तरीके से। अब बच्चों, इसके डिसएडवांटेजेस भी है, है ना। इसके डिसएडवांटेजेस बच्चों क्या है कि एक तो ये इतने नहीं, ये कम है ना, मतलब ऐसा नहीं कि ये अनलिमिटेड है धरती के अंदर। इनको बनने में बच्चों मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये मिलते ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब आप छोटे होंगे तो पेट्रोल, वैसे आप अभी छोटे ही हो, बट आपके पापा वगैरह बोलते होंगे कि जब मैं छोटा था तो पेट्रोल इतने लीटर मिलती थी, इतने रुपए लीटर मिलती थी, अब इसके भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो भाव क्यों बढ़ते जा रहे हैं, एक तो देखिए जो व्हीकल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है, प्लस ये चीज़ धरती के अंदर लिमिटेड है ना। ऐसा तो नहीं है कि पानी की तरह, समुद्र के पानी की तरह भरी पड़ी है, तो जितना हो उतना लेते जाओ, ऐसा नहीं है बच्चों, ये लिमिटेड है, तो इसीलिए ये इस पर पैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये होता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि ये लिमिटेड है, तो हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये उस तरीके से ना मिल पाए जैसे कि हमें मिल रही है, इसीलिए इनको बचाया जाता है ना, इतना महंगा किया जाता है। और बच्चों, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, देखिए ये जो मिनरल्स होते हैं ये ह्यूज क्वांटिटी में डस्ट, मेटल पार्टिकल्स, है ना, ये और स्मोक ये रिलीज करते हैं, जिससे हमारा जो एनवायरमेंट होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, यानी कि आपको मिनरल्स को क्यों बचाना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनरल्स जो होते हैं वो लिमिटेड है हमारी धरती के अंदर, तो हमको इनका कंजर्वेशन इसीलिए भी करना चाहिए। इनको ऐसा नहीं कि ऐसा यूज करते जाए, है ना, फालतू को काम नहीं फिर भी यूज करते जाए, इसको कंजर्व करना पड़ेगा जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ये उसको मिल सके, ठीक है ना। और बच्चों क्या है कि देखिए, मिनरल जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि इनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है, मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में। तो अगर किसी भी मैटर को रिसाइकल किया जा सके तो उसको उसकी रिसाइकलिंग करनी चाहिए, है ना, जिससे कि वो उसी रूप में दोबारा, जैसे आयरन है, आयरन को रिसाइकल कर सकते हैं, है ना, या आयरन से कोई चीज़ बनी है, फिर जब आयरन बेकार हो जाता है तो उसको सेल करके उसको दोबारा से रिसाइकल कर देते हैं, उससे दूसरी कोई चीज़ बना देते हैं। तो इस तरीके से जो मिनरल्स रिसाइकल हो सकते हैं उनको करना चाहिए, जिससे वो जो जमीन के अंदर मिनरल है वो बचे रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी को मिल सके, ठीक है। पावर और एनर्जी रिसोर्सेज। अब जो पावर और एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, तो देखिए पहले होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो बच्चों जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं, जिनको बनने में टाइम लगता है ना, जो जल्दी जल्दी नहीं बन सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको बनने में बहुत साल लगते हैं, ठीक है ना। कोल जो है फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जलने वाला, जलता है ये, ठीक है, इसको जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है मिलियंस ईयर्स लगते हैं इसको बनने में, ठीक है। मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, बच्चों ये भी ऐसे ही होते हैं, इनको बनने में काफी टाइम लगता है, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की श्रेणी में रखे जाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब दूसरी तरफ हम जानेंगे नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। तो बच्चों इसमें वो रिसोर्सेज हैं
जो इतने हैं कि हम उनका यूज भी नहीं कर पा रहे और वो हमको मिलते ही रहते हैं। जैसे ये देखिए सोलर एनर्जी देखिए इतनी रोज मिलती है सोलर एनर्जी, जिसका यूज भी नहीं होता है इतनी मिलती रहती है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी है ना, वाइल्ड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी। तो बच्चों इसमें आप सोलर एनर्जी जानते हैं क्या होती है, आप वाइल्ड एनर्जी भी जानते हैं क्या होती है, जियोथर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी। मैं आपको बताती हूँ, ये वो जो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो किससे जनरेट होती है, यूरेनियम और थोरियम से। ठीक है, जिससे एक जो एनर्जी जनरेट होती है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। बच्चों ये यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में, रशिया में, यहाँ पर इसके रिएक्टर्स हैं, इंडिया के अंदर राजस्थान और झारखंड में। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी बच्चों कौन सी होती है, आप जानते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर जो कोर लेयर है वो उसका जो टेम्परेचर है बहुत ही गर्म है ना, बहुत हाँ सॉरी उसका टेम्परेचर बहुत हाई है ना, इसी कारण वो बहुत ज्यादा आग भी है उसके अंदर, है ना। चलिए, तो जो ये जो है वो इंटीरियर जो एक एनर्जी भी इसका बोला जाता है, जियो थर्मल एनर्जी को इंटीरियर एनर्जी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चों अर्थ के नीचे से हमको मिलती है। ठीक है ना, आपके बुक में इसकी इमेज दे रखी है। और बच्चों ये काम में किस किस काम में आती है, तो देखिए ये कुकिंग में, बाथिंग में, इनमें काम में आती है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में अत्यधिक मात्रा में इसके जो ये बनती है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी है, हिमाचल प्रदेश में और कुल्लू वैली जो लद्दाख में है वहां पर ये होती है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा बायोगैस। तो बायोगैस बच्चों देखो ह्यूमन एक्सक्रेटा या एनिमल एक्सक्रेटा उससे बनती है, या फिर सड़ी हुई सब्जियां, फ्रूट्स, है ना, उनसे ये जो बायोगैस है ये उनसे बनती है। अभी किस काम में आती है बच्चे, कुकिंग के काम में आती है, लाइटिंग के काम में आती है। ठीक है, एक फ्यूल के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है हमारी टाइडल एनर्जी। तो बच्चों टाइडल एनर्जी जो है समुद्र के पास इसके प्लांट्स बनाए जाते हैं उससे ये बनती है। ठीक है ना, तो आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका है बच्चों, इसके एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। चलिए, थैंक यू।